हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ शशि मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहितो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, कच्चा मैंगो बाइट मोहितो। तो ये है कच्चे आम की टॉफ़ी। आप कोई भी कच्चे आम की टॉफ़ी ले लें, या पल्स से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मोहितो बनता है। तो इसे हमें पीस कर फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना तो है। सारी टॉफियों को ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना ये है देखिए, हमें। हमें पाउडर पीस कर हमें तैयार कर लिया है। अब इसे हमें छन्नी में, एक बर्तन लेकर छन्नी में डालकर छान लेना है, ताकि इसमें जो चंक्स होंगे मोटे मोटे वो निकल जाएंगे। इसे हमें निकाल देना है। तो ये देखिए पाउडर तैयार है, मैंने इसे छन्नी से छान लिया है। अब एक लेंगे हम सर्विंग ग्लास, जिसमें हमें मोइतो बनाना है। तो इसको लेकर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नींबू के कुछ पीसेस, जो मैंने यहाँ पर काट के रखे हैं। जो ग्रीन वाला नींबू होता है ना, इसको लेंगे, तो इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और कुछ पुदीने की पत्तियाँ मैंने ली है, इसे हमने काट लिया है, और इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अगर मडलर है तो उसको ले ले, नहीं है तो ये जो कूटने वाला होता है इसी से हमें इसे प्रेस करना है, और आराम आराम से। ये हो गया। आप थोड़े से 3 से 4 इसमें हम बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। और रखेंगे साइड पे। और ये जो मैंने पाउडर बना कर रखा था, इसे डाल देंगे इसमें 3 से 4 टेबल स्पून। अब डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आप चाहे तो सोडा में भी बना सकते हैं, अगर बच्चों को पिलाना है तो इसमें डाल देंगे हम स्प्राइट। और इसे चला देंगे। ताकि जो पाउडर डाला था मैंने, अच्छे से मिक्स हो जाए स्प्राइट के अंदर। और एक डाल देंगे लेमन का स्लाइस। इसे अच्छे से चला देंगे। मोहितो रेडी है। एक नींबू का स्लाइस लेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे लगा देंगे। और एक स्ट्रॉ लेंगे और इसे हमें लगा देना है। तो लीजिए, कच्चा मैंगो वाइट मोहितो रेडी है। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं, बहुत गर्मी पड़ रही है, बनाए पिए। और जो स्प्राइट है उसे, जो स्प्राइट का बॉटल होता है उसे अगर फ्रीजर में रख देंगे तो उसमें जो बर्फ जम जाता है, और जब इसमें हम डालते हैं तो उसका जो बर्फ का क्रंच होता है बहुत ही अच्छा आता है मुंह में। तो वैसा अगर करें तो बहुत ही अच्छा बनेगा मोहितो। नहीं तो बर्फ के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको भी डाल सकते हैं मिक्सी में पीस कर। तो लीजिए, आज की रेसिपी रेडी है, मोहितो रेडी है। अभी अपने घर में ज़रूर बनाएं। आज की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।